कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड द्वारा शहर के विभिन्न भागों में गैस स्टेशन खोले जा चुके हैं, जहां गो गैस ब्रांड के नाम से गैस वितरित की जाती है। दिल्ली में हो रही विकराल पर्यावरण समस्या उन सभी शहरों के लिए एक इशारा है जो अभी भी इस समस्या की ओर आंखें मूंद कर सो रही है। वाहनों से होने वाला प्रदूषण किसी भी शहर के वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। नागपुर में हाल ही में लिए गए हवा के नमूने एक खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नागपुर भी दिल्ली बन जाएगा। वायु प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, सैकड़ों बीमारियां भावी पीढ़ी एवं बुजुर्गों का जीवन दुभर कर देगी। जिस तरह कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना सरकार ने बरसों पहले शहर में चलने वाली सभी ऑटो रिक्शा को अनिवार्यता ऑटो एलपीजी पर ही चले ये सुनिश्चित किया, उसका लाभ इन शहरों के वातावरण को भरपूर मिल रहा है। नागपुर के नए ऑटो तो एलपीजी पर ही चल रहे हैं, परंतु पुराने लगभग 10,000 ऑटो आज भी पेट्रोल तथा केरोसिन मिलावट से चलकर शहर की हवा में जहर घोल रहे हैं। तभी तो नागपुर में लिए गए नमूने की क्वालिटी पुअर आई है। सरकार को, नगर निगम तथा लोकल प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान देवे। ऑटो एलपीजी बाकी सभी ईंधनों जैसे कि पेट्रोल, डीजल व सीएनजी से क्लीन एवं ग्रीन फ्यूल तथा इकोनॉमिकल भी है। ऑटो एलपीजी पर कार एवं ऑटो चालक को लगभग 40-50% ईंधन के खर्चों की लागत में कमी आती है एवं मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम होता है, क्योंकि एलपीजी में कुछ भी मिलावट संभव नहीं है। यूरोप के शहरों में महंगे से महंगी कारें भी एलपीजी पर चल रही है, जो कि एक साफ संकेत है कि ऑटो एलपीजी सबसे सस्ता, सुलभ तथा सुरक्षित ईंधन है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड द्वारा शहर के विभिन्न भागों में गैस स्टेशन खोले जा चुके हैं, जहां गो गैस ब्रांड के नाम से गैस वितरित की जाती है तथा शहर के पर्यावरण को मदद मिल रही है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड ने बरसों पहले इस समस्या का अनुमान लगा लिया था और इसी दिशा में कंपनी ने पूरी भारत वर्ष में ऑटो एलपीजी स्टेशन की स्थापना करी है। लगभग 20 राज्यों में गो गैस ब्रांड से ऑटो एलपीजी वितरित कर रही है। प्रशासन को सभी पेट्रोल ऑटो एवं छोटी कारों को अनिवार्यता ऑटो एलपीजी चलाना चाहिए, जिससे कि नागपुर शहर की वातावरण प्रदूषण की समस्या कम हो सकती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि बताया, नागपुर में जो एयर सैंपल्स अभी लिए गए हैं रिसेंटली, वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि नागपुर शहर की एयर भी लगभग दिल्ली की एयर की तरफ ही बढ़ रही है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग और बहुत चौंकाने वाली बात है। यदि हम लोग अभी भी नहीं संभले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। नागपुर के चर्चे पूरे देश में दिल्ली की तरह गूंजेंगे। तो सीएनजी और एलपीजी की आप जो बात करें, पहली बात तो सीएनजी जो है काल्पनिक चीज़ है नागपुर के लिए। नागपुर में सीएनजी तब आएगी जब पूरा क्रॉस कंट्री पाइपलाइन आएगी, पूरे शहर के अंदर पाइपलाइन बिछेगी, सीएनजी के स्टेशन खड़े होंगे। तो इससे बेटर ये है, फार फार बेटर, ऑटो एलपीजी जो कि कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड गो गैस ब्रांड के अंदर में बेच रही है, वो सबसे ज़्यादा फिजिबल सॉल्यूशन है। और पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा कि कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड ने गो गैस ब्रांड के 5 स्टेशन खड़े किए हैं और 3 स्टेशन और खड़े करने जा रही है। जरा थोड़ा सा, थोड़ा बहुत पूना यानी उंगली पे गिन सकते हैं, 10 जगह पे भी नहीं है। बॉम्बे भी 30 साल ऑटो एलपीजी इज अवेलेबल इन मोर देन 1,000। आज 1,000 स्टेशन से ऊपर हैं उनके, हर जगह पे हम लोग ऑटो एलपीजी को ले जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा भाई, हम चाहते हैं कि भाई एक सपना है ये कि भाई ऑटो एलपीजी जहाँ पे लगाना, जहाँ पे पेट्रोल भी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं आज विलेजेस है जहाँ पेट्रोल पंप नहीं है, बट ऑटो एलपीजी लगा सकते हैं हम लोग चाहो तो। वहाँ आज पूरा बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह पे तालुका, हर शहर देखिए पूरा ऑटो एलपीजी यूज हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ।